ओके तो अब तक हमने लास्ट ये ड्राइंग के सेशन में सारे टूल्स हमने देख लिए थे कि किस टाइप से वो सब वर्क करता है, बराबर। अब वही चीज़ हमने पार्ट असेंबली ड्राइंग सब कुछ देख लिया है, तो आज जो चालू करने वाले हैं वो फाइनल प्रोजेक्ट है, ये कोर्स का लास्ट प्रोजेक्ट है। तो वो हम बॉटम अप असेंबली को अप्रोच को सिलेक्ट करते हुए करेंगे। बॉटम अप अप्रोच असेंबली का मतलब है कि मैं ईच एंड इंडिविजुअल पार्ट मैन्युअली पार्ट ड्राइंग में क्रिएट करूँगा और उसको हम असेंबली में असेंबल करेंगे और फिर उसका ड्राइंग सेशन करेंगे। दैट मीन्स कि तीनों फीचर्स हम इसमें इंक्लूड हो गए, बराबर। तो पहले मैं जा रहा हूँ पार्ट में, ओके। तो उसका जो यूनिट है वो MMGS है ये प्रोजेक्ट का, और प्रोजेक्ट का नाम है व्हील सपोर्ट असेंबली। ये व्हील सपोर्ट असेंबली की हम असेंबली करने वाले हैं। तो ईच एंड एवरी पार्ट हम इंडिविजुअल बनाते जाएंगे और फिर सेव करेंगे, ओके। चलो तो मैं पहले बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेस में मैं यहाँ से टॉप ले रहा हूँ रेक्टेंगल, ओके, और यहाँ से मैंने ये ड्रॉप कर दिया और डायमेंशन है 115 and 40, 115 and 40, ओके। और आगे क्या है कि डायमीटर 5 के 4 सर्कल हैं, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है कुछ, और यहाँ अभी मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ का कुछ डिस्टेंस है और मैं इसको ओके कर दिया। लेट्स चेक डायमेंशन, ये 25 है और ये 10 है, ये 10 है और ये 25, ओके ना। तो और मैं सर्कल्स क्रिएट कर देता हूँ, 5, 5, 5, ओके ना। तो अब इसको मैं डायमेंशन दे देता हूँ कि यहाँ से ये 10 का आना चाहिए, ओके। ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल हो गया ना। तो ये तो सेंटर में ही है, यहाँ से और इसका डायमेंशन होना चाहिए 25, ये तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही है 10। तो इसको और इसको वर्टिकल हो गया। तो हमारे 4 सर्कल्स हमने क्रिएट कर लिए, अब बस हो गया। इसको करना है एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कितना करना है, 5, ओके ओके। तो ये पार्ट हो चुका है, इसको मैं कर देता हूँ सेव, बराबर। मैंने इसको सेव कर दिया, आगे बढ़ते हैं, ओके। क्या है, बुशिंग है, तो बुशिंग कंप्लीट कर लेते हैं। टॉप लेन में सर्कल 1 और 1 हो गया। अब डायमीटर 10 and 6.25, तो डायमीटर 10 and 6.25 हो गया, और उसकी हाइट है 5। तो इसको सेव कर दो बुशिंग, ओके। तो दूसरा पार्ट भी हमारा हो गया। तीसरा पार्ट वॉशर, डायमीटर 12 and 6.25, ओके। और उसको एक्सट्रूड कितना करना है, 1 का, तो ये भी हमारा हो चुका है वॉशर। चलो 3 पार्ट तो हमारे कंप्लीट हो गए। नट, तो नट है डायमीटर 4 and diameter 10, टेन 4, एक्सट्रूड 5, ऑप्स, एक्चुअली माई मिस्टेक, यहाँ से हेक्सागोन चाहिए हमें, ये डायमीटर होना चाहिए 10, फिर होना चाहिए सर्कल 4,
और उसको एक्सट्रूड करना है 5। यहाँ से सर्कल एक्सट्रूड कट, फ्लिप साइड 30 हो गया, तो हमारा नट भी रेडी हो गया। ओके चलो, तो और क्या बाकी है, व्हील, तो व्हील पे आते हैं। तो नया पेज, फ्रंट व्यू, एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ मीट से। ओके लाइन मीट, बस अब यहाँ से इस टाइप से, देखो अभी मैंने रैंडम बना दिया, बाकी डायमेंशन बाद में ले लेते हैं। ये है डायमीटर, ये डायमेंशन 8 है, इसके और इसके बीच का होना चाहिए 8। ओके और ये पॉइंट और ये पॉइंट वर्टिकल होगा, करेक्ट, ये भी हो गया। डायमीटर 90 भी होना चाहिए, यहाँ से इसका और इसका एंगल बीच का 90 होना चाहिए, ये भी हो गया परफेक्ट। ये पॉइंट और ये पॉइंट वर्टिकल होना चाहिए। ओके अब क्या बाकी है, डायमीटर 15 और ये है 40 का, यानी वो 20 आएगा। ओके ये 15 हो गया, ये डायमीटर है 40। तो देखो मैं अभी यहाँ से डायमीटर इस तरह से लेता हूँ 40, देखो चलो 40 ये ऐसा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, होता है, ये कॉमन एरर है। लुक सच काइंड ऑफ एरर आर अपीयर इन सॉफ्टवेयर, इट्स अ कॉमन। ए और ये स्ट्रेट, यहाँ से और इसका है 90। ओके ये और ये इक्वल, हो गया। अब ये होना चाहिए, हो गया चलो, वो भी 40 का हो गया। अब क्या है, ये दोनों के बीच का डायमेंशन है 8, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डायमेंशन होना चाहिए 8। चलो ये दोनों भी हो गया। ओके अब क्या बाकी है, डायमीटर 6.25, फिर 10 एंड 33। ओके तो ये डायमीटर है 6.25, एक लाइन ड्रॉ कर लिया इसको, और इसका डायमीटर होना चाहिए 10, फिर 33 इसको, और इसका डायमीटर होना चाहिए 33। ओके और दोनों तरफ गैप है 5 का। ओके फाइन, तो मैं एक यहाँ से रैंडम लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है 5 और यहाँ से भी चाहिए लाइन मुझे, और वो भी डिस्टेंस होना चाहिए 5। नाउ ट्रिम, क्या क्या रखना है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, बराबर, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये सब नहीं है। ओके कोई भी डायमेंशन रह गया देख लेते हैं एक बार फिर से। 40 आ गया,
33, 6.25 and 10. 33, 10, 6.25, 5, 40, 98, सब कुछ आ गया, बराबर। यानी कि ये सारे डायमेंशन परफेक्ट हैं। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ एरर तो नहीं है। 307 और ये 3093, तो नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई कि यहाँ गड़बड़ है। तो कौन सा डायमेंशन, इसको मैं निकाल देता हूँ अभी। ओके, तो ये टोटल 15 है, करेक्ट है, टोटल तो 15 ही है। ओके, तो अब इसको कुछ मेंटेन करना पड़ेगा हमें। तो इसको और ये स्ट्रेट है, करेक्ट, ये तो हो गया। अब ये डायमेंशन 3 पॉइंट है, तो ये और ये, ये और ये, ये दोनों को कर रहा हूँ मैं इक्वल, तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। देखो अब हो गया, जो भी डायमेंशन है लेकिन वो ऑटोमेटिकली सेट हो गया। चलो अब यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ रिवॉल्विंग फीचर, ये हो गया रिवॉल्व, तो मेरा व्हील रेडी हो गया। यहाँ से मैं व्हील, ओके, चलो व्हील भी हो गया। अब शोल्डर स्क्रू, तो शोल्डर स्क्रू के लिए मैं यहाँ से फ्रंट प्लेन, यहाँ से एक सेंटर लाइन ले रहा हूँ मिड पॉइंट से, और किस टाइप से है, इस टाइप से कुछ है। चलो देख लेते हैं, बराबर। तो ये है 6, ये 6, ये 27, ये 4, ओके। और क्या है, वो है 6.25 और 4 और 10, तो ये डायमेंशन है 6.25, ये होना चाहिए 10। ओके, तो थोड़ी सी गलती है, ये डायमेंशन है 4, ये 6.25 है और ये है 10। ओके, इतना होने के बाद डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ रिवॉल्व, वो सब बाकी का हो जाएगा। तो ये मेरा बन गया स्क्रू। ओके, तो स्क्रू भी रेडी हो गया, आगे बढ़ते हैं। बोल्ट, तो बोल्ट का डायमीटर है 10 और उसकी हाइट है 4, तो ये है 10, एक्सट्रूड करना है 4, और यहाँ पे फिलेट देना है, तो फिलेट के लिए मुझे सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा, सर्कल एक्सट्रूड कट, यहाँ से है फ्लिप साइड कट, ड्राफ्ट आउटवर्ड 30 हो गया, एट क्लिक स्केच 9 और डायमीटर है 5 का। ये भी हो गया, तो ये हमारा बोल्ट भी क्रिएट हो गया। ओके, तो ये बोल्ट रेडी हो गया, अब नया पेज ले लेते हैं। ओके, सपोर्ट जो लास्ट है, तो उसके लिए मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ, ओके, तो 40 40 है, 40 और 40, एक्सट्रूड, और उसकी थिकनेस कितनी है,
12, उसकी थिकनेस है 5, तो यहाँ से मैं 3 फीचर में 5 का देता हूँ, और वो कितना है, वो भी 40 ही है, ओके, तो 40 है, तो 40 एंटर, ना इतना हो गया। अब क्या है, नीचे से 6.25 का फिलेट है, तो 6.25 एंटर, यहाँ से इसको क्लिक करो, ये हो गया 6.25 का फिलेट। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, सर्कल है यहाँ पे, तो एक सर्कल में यहाँ क्लिक कर देता हूँ रैंडमली अभी, उसका डायमेंशन है डायमीटर 10 और 15, ओके, और उसको करना है सेंटर में मुझे, तो यहाँ से सेंटर लाइन लेनी है, और ये ड्रॉप हो गया, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सेंटर में नहीं है, तो उसको मैं अलाइन कर लेता हूँ। चलो हो गया, अब इसको करना है एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल, ये भी हो गया। अब नीचे तो सर्कल ले लेता हूँ मैं, मैंने रैंडम ड्रॉप कर दिया अभी, तो पहले तो डायमीटर 5 का है, इसको और इसको क्लिक करो और कर दो इक्वल, तो इक्वल के रिलेशन दे दिए मैंने, ओके, यहाँ से 15, ये भी 15, नहीं अलग अलग डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा और इसको करके वर्टिकल कर दूँगा, हो गया। चलो तो ये भी हो गया, अब क्या है, यहाँ से 10, यहाँ से 10 रखिए, इसको भी डायमेंशन 10, एक्सट्रूड कट, ओके, एक डायमेंशन रह गया जो हमें पहले देना ज़रूरी है उसमें, तो ये डायमेंशन यस आ गया, वो भी आ गया, 15 भी आ गया, ओके, तो आई थिंक हमने सब डायमेंशन दे दिए हैं हमने, बराबर। अभी इंटरनल फिलेट के बारे में हमें डायमेंशन नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, हम मैन्युअली दे देते हैं, उसको भी हम 6.25 ही देंगे, ओके, चलो तो ये भी हो गया, तो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, तो इसका नाम है सपोर्ट, तो हमारे व्हील सपोर्ट असेंबली के सारे पार्ट बन चुके हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी असेंबली क्रिएट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।